Next question. Question says a particle moves in a circle of radius 25 centimeter at 2 revolution per second. सवाल है एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होगा ना. इसको बेसिक से करते हैं. अगर एक पार्टिकल आपका पूरा गोल सर्कल कंप्लीट करता है पहले एक सर्कल बना लेते हैं. सो लेट्स से ये पूरा गोल सर्कल आपका पार्टिकल ने यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे गोल घूम के आया है. तो इस केस में हम कहते हैं थीटा की वैल्यू हो गई 2 पाई. और यहाँ पे हमने लगाया 2 रेवोल्यूशन. तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बिकॉज आपका 2 बार घुमा. सो एक बार पर 2 पाई 2 बार में मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे. ये तो आपका थीटा आ गया. ओमेगा को हम लिखेंगे यहाँ पे थीटा डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. सो थीटा इज़ 4 पाई. ये हो गया. यहाँ पे पर सेकंड कह रहे हैं तो 1 कर देंगे. तो ओमेगा की वैल्यू हो गई आपकी 4 पाई. सवाल है एक्सेलेरेशन क्या होएगा. सो उस केस में एक्सेलेरेशन जो है AC उसको हम लिखते हैं R ओमेगा स्क्वायर या फिर ओमेगा स्क्वायर R है ना. सो यहाँ पे R की जो वैल्यू है दैट इज़ 25 सेंटीमीटर. ना इस R को हम लिख सकते हैं 25 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 1/4 मीटर या फिर इसको 100/4 लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर यानी कि 4 पाई का स्क्वायर है ना. सो आपका जो AC है उसकी वैल्यू हो गई 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा. सो ये बचेगा 4 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन आ जाएगा. सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 वुड बी द राइट आंसर. आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ में आया.